नमस्कार, मैं उज्ज्वल प्रियवीर और आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स। लगातार वार्निंग मिलने के बाद भी लोकसभा के करीब 82 पूर्व सांसदों ने अभी तक अपना सरकारी आवास खाली नहीं किया है। सीआर पाटिल के नेतृत्व में बनी लोकसभा आवास समिति में 19 अगस्त को एक नोटिफिकेशन जारी किया था और इसमें कहा गया था कि सभी पूर्व सांसद अपने अपने सरकारी आवास खाली कर दें। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो एक हफ्ते के भीतर उस आवास की बिजली, पानी और गैस का कनेक्शन को काट दिया जाएगा। लेकिन फिर भी आज करीब एक महीने बीत जाने के बाद भी 82 पूर्व सांसदों ने अभी तक अपना सरकारी आवास खाली नहीं किया है। सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि अगर अब 3 दिन के भीतर वो सरकारी आवास को अगर खाली नहीं किया जाता है तो उन सांसदों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगर हम नियम की बात करें तो नियम ये कहता है कि लोकसभा भंग होने के एक महीने के भीतर ही सांसदों को अपना सरकारी आवास खाली करना होता है। लेकिन ये 16वीं लोकसभा जो है वो 25 मई को प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने भंग कर दी थी, लेकिन अभी 25 मई के बीत जाने के बाद भी, आज करीब 4 महीने हो जाने के बाद भी 82 ऐसे सांसद हैं जो अभी तक अपने सरकारी आवास को खाली नहीं किए हैं। और इसके वजह से, सरकारी आवास खाली नहीं होने के वजह से, जो नए सांसद जो चुनकर आए हैं 17वीं लोकसभा में, उन सभी बहुत सारे सांसद ऐसे हैं जिनको अभी तक घर जो है वो अलॉट नहीं हो पाया और उनको कहीं बाहर रहना पड़ रहा है। बहरहाल अब देखना होगा कि लोकसभा आवास समिति क्या इस पर कड़ी कार्रवाई करती है और जो दोषी सांसद हैं उनको किस तरह का सज़ा का प्रावधान होता है। देश और दुनिया की बाकी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहिए नवोदय टाइम्स के साथ। साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हर वक्त लेटेस्ट खबरें आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार।